व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे ना अब ब्रंच के टाइम से स्टार्टिंग हो रही है मेरे व्लॉग की, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ना मिनी व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, जिसका मिनी व्लॉग मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ। एक दिन मेरा मिस हो गया डेली व्लॉग में से, तो मैं ये मुझे कल डालना था लेकिन आज मैं डाल रही हूँ इसको। खैर यहाँ पर ना मैंने नई सिस्टर ने बनाई थी कलेजी बहुत ही मज़े की, जिसकी रेसिपी भी चैनल पे अपलोड कर चुकी है। तो मैंने फुल रेसिपी यहाँ पे नहीं शो की है, बस खाना बना रही थी यहाँ पे सिस्टर। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करने के लिए आ गई थी, व्लॉग में ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स ऐड करना ही करना होता है। तो फिर यहाँ पर डेली रूटीन की जो भी होती है ना, तो सब कुछ दिखाना ही होता है। तो यहाँ पर सिस्टर बना रही थी बहुत ही मज़े की कलेजी। उसके बाद ना खाना वगैरह खा करके, नमाज़ वगैरह से फारिग होकर के हम आ गए थे शॉपिंग पे। तो अब आप सबको तो पता चल ही गया होगा जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं कि सिस्टर की शादी चल रही है, तो फिर डेली की शॉपिंग हमारी हो ही रही है। कुछ ना कुछ लेना जाना ही पड़ता है। वो बात अलग है कि जब भी हम कुछ लेने जाते हैं हमें कुछ मिलता नहीं, खाली हाथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना हम जब इससे पहले वाली बाज़ार गए थे तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला था, तो इसलिए हम यहाँ पे अपने एरिया में जो काफ़ी क्लोज है हमारे एरिया से, तो वहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर से अम्मी सैंडल्स वगैरह देख रही थी। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और ये खूब बढ़िया 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 लेस मिली थी। मतलब अगर कोई अपने खुद सा अपना ड्रेस सिलता है ना, तो फिर उसको ना ऐसी चीज़ें यूज़ करने काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और फिर इससे ना लुक काफ़ी अच्छा आता है ड्रेस का। वैसे तो हम यूज़ करते ही नहीं ना, तो मतलब हमें सिलाई आती नहीं है, तो इसलिए सिस्टर की हल्दी का ड्रेस भी लेना था, तो जो इतनी टाइम से नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार हम इस शॉप पर पहुँचे जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन ना फिर भी हमें कुछ ऐसा खास नहीं लगा। तो हमने सोचा भी पूरी मार्केट एक्सप्लोर करना बचा हुआ, अगर यहाँ से ले लिया आगे कहीं अच्छा मिल रहा होगा तो फिर हम ना पछताते रह जाएँ। तो इसलिए फिर ना यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चॉइसेस देखी, काफ़ी ज़्यादा आइडियाज भी मिल गए हम लोगों को। एक ड्रेस पसंद भी आई थी लेकिन उसमें ना कुछ स्टेन वगैरह लगा था, जिसकी वजह से हम नहीं लिया और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए थे। इससे पहले वाले शॉप में जो हम गए थे वहाँ बिल्कुल भी हल्दी के ड्रेसेस नहीं थे, मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था, पर यहाँ ना हल्दी के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे हल्दी के ड्रेसेस। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे ये ज्वेलरी शॉप पे। काफ़ी क्यूट क्यूट सामान यहाँ पे मिला था, उसमें से एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, ये लॉकेट। लेकिन मैंने ना ये लिया नहीं था क्योंकि ना मुझे ये सब चीज़ें थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी लगती है। हाँ गिफ्टेड हो तो मैं ज़रूर पहन लूँगी, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक लिया हुआ है तो इसलिए मैंने नहीं और नहीं। और यहाँ पर ना ये हैंडबैग न्यू कलेक्शन आया हुआ है, बोहेमियन वाइब्स देता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन सिस्टर से कह रही थी तो उसको ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उसको मेरा बर्थडे गिफ्ट ना उसके ऊपर उधार है, तो उसने सोचा था कि मुझे यही दे देगी, लेकिन फिर ना उसको मतलब बैग दे देगी, लेकिन उसको ये बैग समझ में नहीं आया। जो बैग मैं इतने दिन से चाह रही थी लेना, वो अब काफ़ी आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, तो मैं अब वो नहीं ले रही हूँ। तो जब हम कभी दूसरी बाज़ार जाएंगे ना, जहाँ पर अच्छे अच्छे बैग के कलेक्शन होते हैं, तो वहाँ से फिर लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉकरी की शॉप पर हम आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी क्रॉकरी थी यहाँ पे, और काफ़ी मतलब हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया क्योंकि अम्मी को काफ़ी देर लगी सेलेक्ट करने में। सबसे पहले तो अम्मी यहाँ पे ट्रे वगैरह लेने के लिए गई हुई थी, ट्रे उन्होंने दिखाई थी। उसके बाद ना अम्मी को धीरे धीरे जो सामान सिस्टर के लिए समझ में आता गया, उन्होंने वो ले लिया। और यहाँ पर ना ग्लासेस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। तो घर जा कर के दिखाएँगे कि सिस्टर के लिए क्या क्या लिया है और ओवरऑल क्या क्या लिया है हमने। इसके बाद यहाँ पर घर के लिए निकल
निकल गए थे हम, और आज जो जो हमें चाहिए था ना ऑलमोस्ट सब ले लिया था। समद का कुर्ते का कपड़ा भी इतने टाइम से हम ढूंढ रहे थे ना, पूरी बाज़ार में 2-3 दफ़ा ढूंढ चुके लेकिन कहीं नहीं मिला उसका। बड़ा मन था सितारे वाला कपड़ा जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है वो लेना है, तो वो मैं ले रहा था, तो फाइनली वो भी मिल गया। खाला से कॉल करके हमने राय ले ली थी। अच्छा, तो यहाँ पे ये मसाला सेट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये सिस्टर के लिए लिया है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब मुझे ये अपनी किचन में चाहिए ही चाहिए, तो मुझे ये बहुत पसंद है। काफ़ी टाइम से मेरी नज़र में था लेकिन अम्मी को सिस्टर को देना है, तो अभी तो फ़िलहाल ये सिस्टर का है, तो इसमें कुछ भी स्पाइसेस वगैरह रख सकती है। अच्छा, तो इसमें उन्होंने पहले से स्पाइसेस डाल करके दिए ऐसा कुछ भी नहीं, पोस्टर वगैरह लगे हुए इसमें दिखाने के लिए कि क्या क्या रख सकते हैं अंदर। काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक देता है ये, और इसका ये ऊपर का जो पार्ट है ना ये प्लास्टिक का है, ओवरऑल तो ये पूरा प्लास्टिक का ही है। नेक्स्ट यहाँ पे कटलरी सेट है, तो इसमें स्पून्स और फॉक्स दोनों हैं, फॉक दोनों हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका भी लुक। इसी तरह का नहीं, मतलब जो हमारे घर में है ना वो उसी तरह का मिल रहा था, लेकिन वो ना ईज़िली क्लीन नहीं होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली क्लीन हो जाएगा। सिस्टर को सफाई का बड़ा शौक है, तो यहाँ पर वो साफ़ सफाई की काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये लिया था काफ़ी ज़्यादा प्यारा टी सेट, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कोई मुझे ये गिफ्ट करे, एक्चुअली एक बार तो मुझे कोई गिफ्ट करे, लेकिन मेरी कोई फ्रेंड्स ही नहीं है इतनी क्लोज। हाँ, फ्रेंड्स हैं लेकिन हम लोग इसे मतलब अभी इतने क्लोज नहीं बने, और ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है जो मुझे कोई इस तरह का कोई गिफ्ट देगा। वेल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये, सिस्टर को भी काफ़ी पसंद आया, और सिस्टर को ना ऐसे टी शर्ट बहुत पसंद है, अब तो उसकी पसंद को ध्यान में रख करके अम्मी ने ये ले लिया था। यहाँ पर छोटी सिस्टर ने ये लॉकेट आखिर ले लिया था, उसको काफ़ी पसंद आया था। बाकी यहाँ पर ये हैंडबैग हमने लिया था, बहुत ही सुंदर सा क्लासी सा हैंडबैग है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड यही थी हमारी शॉपिंग, इसके साथ साथ ये रिंग जो है वो अम्मी को सिस्टर ने गिफ्ट की है, छोटी सिस्टर ने उसी टाइम पर अम्मी को वेयर करा दिया था लेकर के ही। खैर, इसी के साथ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आज का व्लॉग होता है समोसों पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।